जी दोस्तों, तो आज बहुत ही थक गए क्योंकि आज फाइनल दिन था, आज हमें गड्डी भरना था और अभी बजे 1:46, यानी 2 बजने आया है और बहुत ही थक गए थे, लेकिन काम पूरा कम्प्लीटली हो गया। और जी नमस्कार दोस्तों, एक फ्रेश और न्यू एपिसोड पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आ गया हूँ अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड पे शिप देखने के लिए। दोस्तों आज मैं खुद अकेला नहीं आया हूँ, आज हमारे 2-3 सब्सक्राइबर के साथ आया हूँ। जी तो देख सकते हो सर, हमारे सब्सक्राइबर आए हुए पंजाब से, अमृतसर से। सर कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप चाहें जी। आज किस लिए आए हो बट शिप देखने के लिए? शिप देखने के लिए और कोई अच्छी अच्छी जो चीज शिप से निकलती है, बहुत बढ़िया चीज निकलती है। और आपको तो अलंग भाग गया है, आप लगभग दूसरी बार आए हो। दूसरी बार आया, जहाँ भी आते हैं फिर दिल करता है तीसरी बार और आए। क्या बात है, चलिए तो अब एंजॉय करते हैं शिप देखने का। आपको स्टेप बाय स्टेप शिप के अंदर कौन सी चीज है वो सभी मैं आपको दिखाऊंगा। सत श्री अकाल सर जी। जी नमस्ते जी। तो नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ है हमारे सब्सक्राइबर मुकेश भाई, जो कि आए हैं पंजाब अमृतसर से। सर ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा ना शिप के ऊपर चढ़ने? बिल्कुल, बिल्कुल। तो कैसा बहुत लग रहा है? किया मैंने तो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल का एक्सपीरियंस है जी। ये सुबह ही कल ही हमें बोल रहे थे मुकेश भाई शिप के अंदर जाने का कुछ अरेंज हो जाए, तो मैं बोला ठीक है, क्योंकि हमने जहाँ से माल रखा है उसी बंदे ने यहाँ से माल रखा है, तो मैं बोला उन्हीं से पूछ लेते हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, सुबह आप 9 बजे 9:30 बजे तैयार रहिएगा। तो हम आज फिर से, आपने मेरा ब्लॉग एक भी और देखा होगा स्टार क्रूज का, तो आज हम एक बार फिर से हमारे सब्सक्राइबर के साथ शिप के ऊपर आ गए हैं स्टार क्रूज देखने के लिए। तो आगे स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर क्या चीज़ है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिर से हम एक बार आपको एक्सप्लोर कराएंगे पूरा शिप, ठीक है ना सर? जी सर। हाँ जी नमस्कार दोस्तों, देखिए बाहर का कुछ इस तरह से नज़ारा है यहाँ से बाहर, आप देखिए इस प्रकार का। देखिए ये टेबल देखिए कितना ज़बरदस्त है, देखिए यूनिक पत्थर का पूरा टेबल है, और ये देखिए कुछ अलग प्रकार का। तो अगली बार हमने ये नहीं देखा था, आप देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ का नज़ारा है, अब देखिए कितना ज़बरदस्त है, देखिए सुपर हिट, देखिए देख सकते हो दोस्तों, ये डबल बेड जो शिप के अंदर लगता है, ऊपर नीचे वाला बेड आप देख सकते हो, और यहाँ पे एक लाइट दिया है देखिए अलग से, और वर्क करने के लिए छोटा सा टेबल। जी दोस्तों आप देख सकते हो, ये है शिप का किचन एरिया, जैसे कि यहाँ पे छोटे बड़े फ्रिज आपको मिल जाएंगे। जैसे देखिए ये छोटा, इसमें बर्फ नहीं होगा बट ठंडा होगा, और ये है यहाँ का कांच का फ्रीजर, और ये पूरा किचन एरिया आप देख सकते हो इस प्रकार से कुछ है, और ये अलग रूम हो गया, यहाँ भी छोटा किचन है थोड़ा सा, देखिए ये भी किचन एरिया है, देखिए ज़बरदस्त। यहाँ पे शिप के गद्दे पड़े हैं और अलग अलग चीज है, देख सकते हो यहाँ पे, देखिए इस प्रकार से कुछ यहाँ का नज़ारा है। और घूमते घूमते
हमें प्यास बहुत लगी है, हम ढूंढ रहे हैं कहीं पानी मिल जाए। देखिए तो दोस्तों, अभी हमारे पाजी ने यहाँ पे से रखे थे डोर, यानी कि लगभग 85 के आसपास डोर है, सही ना? तो अभी लोडिंग का काम चल रहा है, आप देख सकते हो पीछे लोडिंग। यूट्यूब से मुकेश भाई से बात हुई कि इधर लंग आने का बहुत बढ़िया दरवाजा डोर मिलेगा, आके मन को बहुत खुशी हुई कि बहुत बढ़िया माल मिला। मैं मुकेश भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, और दरवाजे की मजबूताई कैसे लगी आपको? पूरे पूरे बहुत ज्यादा बढ़िया। ये कौन से वाले? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू दोस्तों। ये हमारी 19 फुट गाड़ी अभी भर रही, लगभग रात के 12:30 के आसपास हुआ है, और अभी भी हम प्लॉट में गाड़ी लोडिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर को सुबह निकलना है। बट अभी कंप्लीट होने ही आया है, बट अभी 10 से 15 मिनट का काम है क्योंकि बहुत सारी चेयर, एक्स्ट्रा चेयर हमने रख ली थी, तो अंदर 19 फुट गड्डी में आना थोड़ा मुश्किल था, तो हमने सबको फोल्डिंग कर दिया, और फोल्डिंग करने के बाद हमने सभी चीज़ हमने लोडिंग कर दिया और कम्प्लीटली परफेक्टली लोडिंग हो चुका है जी दोस्तों। तो आज बहुत ही थक गए क्योंकि आज फाइनल दिन था, आज हमें गड्डी भरना था, और अभी बजे 1:46, यानी 2 बजने आया है, और बहुत ही थक गए थे, लेकिन काम पूरा कम्प्लीटली हो गया। और खाना भी आज हमने नहीं खाया था, हम गए थे त्रापज खाना खाने के लिए, लेकिन वहाँ भी नहीं मिला, तो हम फिर नाश्ता करके ही आ गए। और अभी हमारे साथ है हमारे सब्सक्राइबर, जिनको आपको मालूम ही, हम 3 दिन से उनके साथ घूम रहे हैं। सर, आपने क्या क्या माल लिया अलग से? सर जी, मुकेश जी। हाँ जी, काफ़ी अच्छा माल लिया जी। मतलब क्या क्या माल में आपने लिया? दरवाजे लिए हैं और चेयर, चेयर है, फिर हाँ ज़्यादातर हमारी चेयर ही है, 70-80 चेयर है, और 100 जैसे दरवाजे है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये वहाँ पे ओ, स्कूल बना रहे हैं, बड़ा स्कूल। हाँ, और रेस्टोरेंट बना रहे हैं उनके लिए, वो चेयर और दरवाजे ले गए, उनको बहुत ही सस्ता सस्ता मिला, और मजबूती में भी मिला ना सर, दरवाजा कैसा भी मिला, काफी बढ़िया भी मिला जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी नेक्स्ट आप हमारे जो सब्सक्राइबर अगर अलग आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कहेंगे? उन्हें आना चाहिए, यहाँ पे देखें, सामान काफी बढ़िया मिलता है, अच्छी क्वालिटी का मिलता है, इम्पोर्टेड मिलता है, सस्ता मिलता है, अलग किस्म का मिलता है, आना चाहिए सभी को जी। बिल्कुल। और दोस्तों, अभी हम खड़े हैं रिसोर्ट पे, यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया होटल भी है, आपको रहने खाने और पीने की सब सुविधा है, नो प्रॉब्लम। कभी भी अगर आप अलग आना चाहते हो तो हमें कॉल कर सकते हो, हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर। ओके बाय। ओके।